नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 16 तारीख से मंगल गोचर परिवर्तन कर रहे हैं और ये मंगल वृश्चिक राशि में जा रहे हैं और ये सूर्य के साथ जा रहे हैं, तो कुछ अच्छा परिणाम, कुछ अच्छे चीजों को लेके बहुत अच्छा इंडिकेट कर रहे हैं। अब देखेंगे कि क्या कंडीशन बनता है, बने रहिएगा, जो बताऊंगा वो होकर आने वाला, एक भी बात नहीं छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो पहले मंगल तुला राशि में थे और मंगल यहां से वृश्चिक राशि में 16 तारीख को आ रहे हैं, तो यहां पे मंगल आएंगे और सूर्य भी आएंगे, बुध भी आ रहे हैं, बुध के बारे में बात नहीं करेंगे। तो पहले भी मंगल का कंडीशन अच्छा था, तो आगे क्या होगा उसको जानने से पहले प्रेजेंट के चीजों को और पास्ट की चीजों को मैच कर लिया जाए। तो देख लेते हैं कि प्रेजेंट में या पास्ट में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आगे का हम प्रिडक्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं मंगल जो थे आप पहले पिछले 1.5-2 महीने में यहां पर थे, छठे घर में थे, तो छठे घर के होने का मतलब है कि जैसे कि कुछ आपका हो सकता है, कुछ चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं कुछ आपको लगी हो वृषभ राशि वाले, कुछ ऐसा आपको देखने को मिला हो अक्टूबर के महीने में, कुछ चोट लग गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ दुर्घटनाएं हो गए, ये शायद आपको देखने को मिला हो। लेकिन 12वां घर बहुत मजबूत हो रहा है मंगल के कारण से। तो 12वां घर मजबूत होने का मतलब क्या है कि ये लड़ाई झगड़ा को इंडिकेट करता है, जो कि बहुत अच्छा है। तो अगर कुछ आपके ऊपर के कोर्ट कचहरी कुछ इस तरह का कुछ अगर मैटर है तो अक्टूबर के महीने में उससे आपको राहत मिला होगा। या किसी से लड़ाई झगड़ा है तो वो सलट गया होगा, वो सही हो गया होगा, या कोई आपको बहुत परेशान कर रहा होगा, किसी से बहुत परेशान हो गए तो उसमें आपको राहत मिला होगा। और या कुछ पैसे आपके फंस गए होंगे वापस मिल गया होगा, या कुछ नुकसान हुआ होगा वो रिकवर हो गया होगा। और ये चूंकि 12वां घर है तो ये मैरिज लाइफ को भी इंडिकेट करता, कुछ अगर मैरिज लाइफ में भी कुछ दिक्कत हुआ होगा तो उसको भी ये मंगल सही कर दिया होगा। तो मिला जुला के अच्छा ही मंगल रहा, लेकिन यहाँ बैठने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं का योग बनाया था। और अष्टम घर को भी अच्छा किया, तो कहीं ना कहीं बहुत से लोग का शादी वगैरह भी फिक्स हुए होंगे, हालांकि अभी तो समय नहीं चल रहा शादी ब्याह का, लेकिन कोई लाइफ में किसी के आना, किसी के जाना, या लव लाइफ बहुत अच्छा गया होगा, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी गई होंगी, कुछ लड़ाई झगड़े, मतलब पार्टनर को लेके अच्छा संकेत बन रहा है, पार्टनर संबंधित चीजों को लेके काफी अच्छा रहा है। सेम चीज नवंबर के महीने में होगा, सेम चीज 16 नवंबर के बाद से, लेकिन मंगल अब यहां पे आ जाएंगे। तो मंगल अब यहां पे आ गए, सूर्य के साथ मजबूती है, सूर्य को भी मंगल ने मजबूती दिया, चौथे घर को अच्छा किया, तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ आपके मन के ख्वाहिश पूरी होंगी, या सुकून आपको कुछ आने वाला, या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपका माइंड में टेंशन था, मन में कुछ आपको दिक्कत था मन में, या पहले भी आपको कुछ राहत मिला होगा या नहीं मिला था तो अब मिल जाएगा। बहुत से लोग के मन कुछ होता है ना मन में कि ये हो जाता है, ऐसा हो जाता, कुछ चीज़ें मानसिक कुछ ना कुछ मानसिक तनाव को राहत मिलेगा, क्योंकि सूर्य भी अच्छे होंगे, सूर्य चौथे घर के मंगल के साथ है तो मानसिक तनाव को बहुत राहत मिलेगा, कुछ ना कुछ मन के मुताबिक चीज़ें होंगी, मानसिक तनाव को राहत जरूर दे देगा।
और अष्टम घर के मंगल हैं तो निश्चित तौर से अच्छा ही जाएगा। और सेम चीज़ जो पहले का था वो अगर नहीं हुआ तो अभी आगे आपके साथ होगा, जैसे बताया कोर्ट कचहरी में अच्छा होना, मैरिज लाइफ का अच्छा, लव लाइफ अच्छा होना, इन सब राहत देगा। कुछ पैसे फंस गए, कुछ पैसा मिल जाना, मतलब लव लाइफ प्रेम यही सब चीज़ों को लेके अच्छा संकेत। और मानसिक तनाव का कम होना, मानसिक तनाव मतलब कुछ मन की चीज़ों को फायदे से पूरा होना, तो ये सब इंडिकेट कर रहा है कि वृषभ राशि वाले ये होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा मंगल अच्छा होना चाहिए। 1, 2, 8, 7, 10 नंबर में अगर आपके मंगल हुए, जैसे मंगल यहाँ पे 8 नंबर में है, तो अगर आपके खुद के कुंडली में 1, 2, 8, 7, 10 नंबर में अगर मंगल हुए तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अच्छा संकेत है, अच्छा हुआ भी होगा और आगे भी अच्छा होगा। लेकिन अगर 4 नंबर में अगर मंगल हैं तो बुरा हुआ होगा, आगे का भी संकेत है कि बुरा हो जाए। बाकी आपके कुंडली मंगल की क्या स्थिति है, मंगल कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, क्या है, वो तो आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है। कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके मेरे से संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन पे कुछ चार्जेस पे करके आप मेरे से पर्सनली फ़ोन पे बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।